क्लास 10, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर टॉपिक मेंडेली पीरियोडिक टेबल। दिस इज टॉपिक फ्रॉम योर पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 5। सो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को और एंड तक देखना। देखिए मेंडेली पीरियोडिक टेबल क्या कहता है हमसे। देखिए इनका नाम था दिमित्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट है ये। जो मेंडलीव थे ये एक रशियन केमिस्ट है। इन 1869 में इन्होंने मेंडेली पीरियोडिक टेबल को दिया, मतलब 1869 में मेंडेली पीरियोडिक टेबल को लाया गया। टिल देन 63 एलिमेंट वेयर नो, उस समय कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, 63 एलिमेंट्स। मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था किस पे बेस्ड था, इंक्रीज एटोमिक मास पे बेस्ड था। समझे, ध्यान से समझना है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था किसे बेस था, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बेस था। ही ट्राइड टू पुट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। इन्होंने क्या किया, कोशिश करी कि जो भी एलिमेंट्स है उनको क्या किया जाए, एक पर्टिकुलर ग्रुप में वो किया जाए, अरेंज किया जाए, ठीक है, सिमिलर ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। ड्यू टू वी फाइंड अ एम्प्टी बॉक्स इन हिज टेबल, और कुछ एम्प्टी बॉक्स भी रखा इन्होंने अपने टेबल में ताकि फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह रहे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो बाद में ढूंढे जाएंगे, लाइक अभी जो ढूंढे गए, तो उनको किस तरह से पीरियोडिक टेबल में हम फिट कर सकते हैं। देखिए इन्हों की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, इन्होंने डेवेनियर से और न्यूलैंड ऑक्टिव से उनसे ज़्यादा काम किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, हर एक एलिमेंट को रिएक्ट कराया, ठीक है, हर एक एलिमेंट को पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। अब जिन एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आ रहे थे, ठीक है, जिन भी एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती थी, सेम आती थी, लाइक मान लीजिए हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया हमने किसी एक एलिमेंट को, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया किसी एक एलिमेंट को, अब तो फिर जिसमें जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी, सिमिलर आ रही थी, ठीक है, उनको फिर क्या कि इन्होंने एक एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या करी कि इन्होंने खोज करी किसकी, ग्रुप्स की और पीरियड्स की। इन्होंने कुछ बातें बताई, लाइक इन्होंने जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया ग्रुप और पीरियड्स का, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, उन्होंने जब ग्रुप को बांटा उन्होंने क्या किया, अभी इसको हम देखेंगे। देखिए पहले देख लिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड्स आर अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विच ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल देखिए Li2O, Na2O, K2O, ये इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस कराया। फिर हाइड्राइड्स जो बने, तो अब मान लीजिए LiH, जो LiH, NH, KH बना रहे इनको एक साथ रख दिया, फिर जो MgH2, 2-2 जो बना रहे उनको एक साथ रख दिया, फिर 3 वाले एक साथ रख दिए। तो इन्होंने इस तरह से रिएक्शन करा के एक जो इस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज आई उनको रख दिया। ये इनका पीरियोडिक टेबल था, देख लीजिए। अब बात आते हैं ग्रुप्स की और पीरियड की। इन्होंने क्या करा, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ठीक है, उन्हें इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पीरियड बना दिया, फिर सेकेंड पीरियड बना दिया। इनके टाइम पे 6 पीरियड थे और 16 ग्रुप थे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये जो लाइन थी ना, इन्हें इन्होंने ग्रुप बोल दिया, एक फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे एट्थ ग्रुप, ऐसे इन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप्स क्या होती है, जो कॉलम्स होते हैं ना आपके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी है उन्हें क्या बोलते हैं, हम पीरियड्स बोलते हैं। तो देखिए द हॉरिजॉन्टल रो प्रेजेंट द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड अ पीरियड्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। उसका द वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट कॉल्ड अ, देर आर टोटल 8 ग्रुप। अच्छा उनके टाइम पे 8 ग्रुप था, ठीक है, सिर्फ 8 ग्रुप था, सॉरी फॉर मिस्टेक, 8 ग्रुप था उस टाइम पे, ठीक है, 8 ही ग्रुप उन्होंने फाइंड किए थे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज़ अ पर्टिकुलर पीरियड, सो द रेगुलर ग्रेडिएशंस इंक्रीजिंग और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इन्होंने जो क्या किया था, जो कुछ ना कुछ उसके जो चेंजेस भी आया करते थे, लाइक लेफ़्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, ठीक है, और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7th आर द सब डिवाइडेड इनटू ए और बी सब ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप था और जो 7th ग्रुप था, इन्होंने उसको क्या किया, उसको भी सब डिवाइड किया, ठीक है, दूसरे फिर फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया। एंड ऑल एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे शो रेगुलर ग्रेडिएशंस इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटीज़। और जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे, सपोज करिए ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, तो वो अलग अलग तरह के ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। सबसे पहले मेंडली पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन हमारे सामने क्या आती है, कि आइसोटॉप्स जो थे, आइसोटॉप्स ऑफ एटम्स, आइसोटॉप्स वो होते हैं सपोज करिए जिनका क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो,
तो अब इनका क्या था कि सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे बेस था। अब दो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, ठीक है, दो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको आप किस तरीके से रखोगे, इनके लिए ये प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहला दिक्कत मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यही था कि आइसोटॉप्स को किस तरीके से किस पोजीशन पे हम रख सकते हैं। सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन वो होते हैं आइसोटॉप्स, तो अब इनके क्या अलग अलग तरह के एटॉमिक मास हैं। अब इनका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, सबसे छोटा जो एटॉमिक मास है उसको पहले रख दो, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, जो भी आए एटॉमिक मास है। बट अगर एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, तो आप कैसे रखोगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो पहला यही है कि पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, ये लिमिटेशन पहली आती है मेंडलीव की। देन सेकेंड इज एनमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कहते हैं कि अन एलिमेंट इज लोकेशन एलिमेंट्स वेयर पुट इन ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर मास। लेकिन इन्होंने क्या किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले जो छोटा फिर उससे बड़ा, एक एक ऑर्डर फॉलो किया था। बट कुछ एनमलस बिहेवियर होते थे जो लाइक कॉपर, कोबर कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, और ये टी आई और आई हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे रखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता था कि अगला नंबर क्या होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास बड़ा होना चाहिए, बट अगले वाले का क्या हो जाता था, छोटा हो जाता था एटॉमिक मास। देखिए आर्गन का 40 है, पोटेशियम का क्या है 39 है, तो ये एटॉमिक मास गलत हो गया ना। अगला हमारा कैसा होना चाहिए था, यह तो बड़ा होना चाहिए ना, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो पहले छोटी संख्या आती है फिर बड़ी आती है। इसमें भी देखिए कोबाल्ट निकलने, पहले छोटा आना चाहिए था फिर बड़ा आना चाहिए था, तो इसमें पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया। इसमें भी देखो आप, तो इस तरीके से एनमलस बिहेवियर दिखने लग गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो नहीं कर पाया। तो दूसरा ये था एनमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए थे बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं पाए गए। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को ये आज तक कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर बट फर्स्ट टू 17th, बट मेंडली प्लेस ग्रुप 1 विदाउट एनी प्रॉपर एग्जामिनेशन। हाइड्रोजन क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता था ग्रुप 1 और ग्रुप 7th में। ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट है ना, और ग्रुप 7 में, दोनों में रखा जा सकता था, मगर इन दोनों में से किस में रखे ये चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये मेंडलीव की ड्रॉबैक था। अब मेंडलीव के फायदे क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए अर्लियर 63 एलिमेंट इज नाउ, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स फाइंड किए गए। मेंडलीव डिस्कवर प्रिडक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट्स, मेंडलीव ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में क्या होंगे, नए एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा था, पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दी, दिस वैकेंट स्पेस वेयर एलिमेंट्स आर आज के टाइम पे ढूंढे गए और उनको रखा गया। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जिस्टेंस सम अननोन लाइक अ बोरोन, स्कैंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे कुछ कुछ एलिमेंट है जो बाद में आए, और उन्होंने स्पेस पहले ही छोड़ दिया था मेंडलीव ने, तो और इन्हें लाकर फिर उसमें फिट कर दिया गया, ठीक है। इनको हम एका बोरोन जो बाद में ढूंढा गया ना, उन्हें एका बोरोन, एका स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम, एका गैलियम बोला जाता है, जो एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पर नहीं ढूंढे गए थे, ठीक है। मेंडलीव ने 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स दिए थे, और मेंडलीव के और बहुत सारे फायदे थे। स्कैंडियम, जर्मेनियम, इसके लिए इन्होंने जगह छोड़ी थी। तो ये मेंडलीव के फायदे थे, और नुकसान आपने पढ़ लिए।